सभी को ठीक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए सवाल हम बनाते हैं TRNA 19वां कोड है। सवाल को हम स्टार्ट करते हैं, टेस्ट वाले सवाल है। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। देखिए सवाल कहता है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 भाग पुत्री को दे दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दे दिया तथा 1/5 भाग दान दे दिया। कोई आदमी है, एक आदमी जो है यहाँ पर 1/4 भाग दे दिया किसको, 1/4 भाग पुत्री को दे दिया, 1/2 भाग पुत्रों को दे दिया और 1/5 भाग दान दे दिया। तो कहता कितना उसे उसके पास था, तो जितना होगा उतना ही देगा ना। मेरे पास 5 रुपया है तो हम कितने दे सकते हैं, 5 रुपया दे सकते हैं। तो कितना उसके पास था, कितना भाग था, एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। एलसीएम 20 हो जाने के बाद यहाँ पर कितना, 4 है तो यहाँ 5 होगा। अब यहाँ पर 10 हो गया आपका, अब यहाँ पर कितना होगा, 4। इसको हल करेंगे तो 19/20 था तभी तो उतना दान किया ना। तो कहता उसके पास कितना था, 19/20 भाग था, यही आंसर होगा। इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना, 19/20 आपका उत्तर हो जाएगा, ये आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं कि कितना भाग था, तो भाग था तो जितना भाग था वही आंसर होगा। सवाल नंबर 2 पर आइएगा, 2 को देखिए आपका स्क्रीन पर लग गया है। देखिए इसको सवाल कहता क्या, सवाल नंबर दो कहता है विकास अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर खर्च किया। अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर खर्च कर दिया, 2/5 भाड़ा पर खर्च कर दिया। देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान सवाल है। उसके बाद कहता है शेष रहेगा, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2/5 भाग ये खर्च कर लिया तो शेष निकालने का तरीका होता है ऊपर नीचे घटाओ, ऊपर नीचे घटाओ तो 5 में से 2 हो गया 3, 3/5 शेष बचा। क्लियर है। अब शेष का 3/4 भाग अन्य पर खर्च कर दिया, 2/5 यहाँ पर किया। विकास अपनी मासिक आय का 2/5 भाग खर्च कर लिया किराए पर, शेष बचा इतना। बोला शेष का मतलब गुना 3/4 भाग अन्य मदों पर खर्च किया, 3/4 भाग खर्च कर दिया तो 3/4 का शेष फिर कितना निकलेगा, ऊपर नीचे घटेगा 1/4 निकलेगा, हो गया। अब उसके पास 180 रुपया बचता है तो जितना बचा इक्वल टू 180 कर दिया, बस हो गया। अब कहता है कि उसकी मासिक आय क्या थी, मासिक आय क्या थी, आय ज्ञात करने के लिए एक्स से नहीं मानना, कुछ नहीं करना, एक्स मान लीजिएगा तो लंबा जाएगा, एक्स से नहीं मानना है। बस मासिक आय ज्ञात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 में निकाल दिए, इसको काट दिए, 60 बार में काट सकते हैं। इसको फिर कितना करेंगे, तो 1 में निकालेंगे, 5 × 20 60 × 20 होगा, 60 × 20 करेंगे कितना होगा, 1200। उसकी मासिक आय 1200 हो गया, इतना ही करना, बस 1 में निकाल के छोड़ दिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा और कुछ नहीं करना, 1 में निकालिए, आपका आंसर तैयार होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा तो फिर समझ में अच्छे से आ जाएगा। हम तो एक बार बना देते हैं, फिर उसके बाद फिर देखिए आगे पीछे करके देखते रहिए, फिर दिक्कत आपको नहीं हुआ। सवाल नंबर 3 कहता है, 3 कहता है आपके स्क्रीन पर लग गया। 3 नंबर सवाल कहता है कि एक व्यक्ति अपनी राशि का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है, 1/3 भाग कपड़ा पर खर्च कर दिया, फिर यहाँ पर बोला शेष 1/3 का शेष अभी क्या सिखाएं, 2/3 ऊपर नीचे घट गया। उसके बाद बोला शेष राशि का 1/5 भाग भोजन पर कर दिया, तो फिर बोला शेष 1/5 भाग भोजन पर कर दिया, 1/5 का शेष कितना होगा, 4/5 इसमें लिख दिया। फिर आगे बोला शेष का 1/4 भाग खर्च कर दिया तो फिर शेष बचा कितना उसके पास, 3/4। अब उसके पास कहता है कि 100 रुपया बचता है, 100 रुपया वास्ता इक्वल टू 100 कर दिए। तो हमको पूछा जा रहा है कि उसकी आमदनी क्या है, तो आप सभी हल करके बताएंगे कि एक भाग में निकला कितना है, एक में वही आमदनी होता है। हल करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए इसको कटा सकते हैं, 3 दिन कैंसिल हो गए, यहाँ पर 4 से काटेंगे 25 बार में, 2 बार में ये कट गया, 10 हो गया, तो 250, उसकी आमदनी कितना हो गया, 250। इतना ही काम कर रहा है, देखिए कितना आसान सवाल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करना है तो फिर मज़ा आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, अगले सवाल पढ़िए। अगला सवाल देखिए, एक परिवार में पिता ने 1/4 भाग केक ले लिया, समझिएगा 1/4 भाग केक ले लिया। आपके यहाँ बर्थडे मन रहा है तो सोचिए कि आपका पिताजी 1/4 भाग केक ले लिया, तो 1/4 भाग ले लिया तो बचा कितना, 3/4 शेष, 3/4 हो गया। अब उसके बाद कहता है अन्य सदस्यों को मिले केक से 3 गुना था, मतलब क्या, ये जो 1/4 जो लिया पिताजी, अन्य सदस्य को जो मिला केक उसका 3 गुना था, इसका मतलब अन्य सदस्य को जो मिला होगा, अन्य सदस्य को
सदस्य को मिला होगा, एक बड़ा चार नहीं मिला होगा, ये तीन गुना था, इसका तीन गुना था, इसका मतलब अन्य सदस्य को इतना भाग मिला होगा। जैसे हम बोलेंगे मेरे पास तीन गुना रुपया, तो हम तीस रुपया रखते हैं, हम तीस रुपया रखते हैं, मेरे पास तीन गुना है, तो आपके पास कितना होगा, आपके पास कितना होगा, दस रुपया होगा, तीन से डिवाइड कर लेते हैं तो दस रुपया। वही चीज़, ये तीन गुना है तो इसको क्या मिलेगा, भाग दे देंगे तीन से, तो इसका जितना केक मिलना होगा मिल जाएगा। मेरे पास तीन गुना था, आपसे तीन गुना था, तो हम तीस रुपया, आपके पास कितना, तीन से भाग लग गया। इसके पास ये तीन गुना है, तीन गुना है तो इसके पास कितना, तीन से भाग लिए, इसका मतलब अन्य सदस्य को इतना केक मिला। तब कहता है कि सदस्यों की संख्या कितनी थी, इसका मतलब अन्य सदस्य को इतना मिला, प्रत्येक को इतना मिला और केक बचल है इतना। अगर हम बोलेंगे बीस रुपया मेरे पास है और सबको दो दो रुपया दीजिए, हम बोलेंगे बीस रुपया मेरे पास और सबको दो दो रुपया देना है, दो दो रुपया देना है, तब पूछेंगे कितने आदमी में बटेगा ये, तो कितना के लिए भाग होता है, भाग दे दीजिएगा तो ये दस आदमी की संख्या दस हो। उसी प्रकार से तीन बटा चार केक बचा हुआ, एक बटा चार तो पिताजी ले ही लिया, तीन बटा चार बचा है, इतना में बांटना है, इतना इतना बांटना है, कितना आदमी होगा, तब भाग देना है, तो भाग देना है, वही यहाँ चार गुना तीन से भाग दे दिया। हल करते हैं, तीन बटा चार, ऊपर चार गुना तीन चला गया, अब चार चार खत्म हो गया, या तीन तिया नौ हो गया, नौ आदमी अन्य सदस्य था, एक आदमी पिताजी था, तो टोटल आदमी की संख्या कितना होगा, दस, यही रिजल्ट होगा दस। समझ में आ गया, एक दो बार देख लीजिएगा फिर, तो फिर मजा आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आइए, सवाल नंबर आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर ये पाँच कहता है, पाँच नंबर को देखिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। सवाल नंबर पाँच यहाँ पर कहता है, एक आदमी अपनी आय का एक बटा चार भाग भोजन पर खर्च कर दिया, एक बटा पाँच भाग, एक बटा चार भाग भोजन पर खर्च कर दिया, एक बटा पाँच भाग किराए पर खर्च कर दिया, अब उसके पास शेष 231 रुपया बचता है। सोचिए टोटल कितना, टोटल अभी कितना पर निकालते थे, एक पर निकालते थे, टोटल आपके पास एक रुपया था, एक रुपया में से एक बटा चार भाग भोजन पर खर्च कर दिए, एक बटा पाँच भाग अन्य मदों पर खर्च कर दिए, तो शेष बचा कितना, शेष के लिए घटाइएगा ना। जैसे हम बोलेंगे सौ रुपया आपके पास है, बीस रुपया आप गाड़ी भाड़ा के दिए, दस रुपया का कुछ और जगह खर्च कर दिए, तो आपके पास शेष बचा कितना, शेष के लिए क्या घटेगा ना। उसी प्रकार से टोटल एक से नहीं मानते हम, टोटल एक मानते हैं, एक में से एक बटा चार भाग कहीं और खर्च कर दिए, एक बटा पाँच कहीं और खर्च कर दिए, शेष बचा क्या, घटाओ, तो घटाओ इतना कर लिया, इतना करने के बाद उसके पास बचा कितना, 231 इक्वल टू 231। बस एक का मान निकाल दिया, आंसर पूछा जा रहा है कि आमदनी क्या थी, एक का मान निकलेगा आंसर होगा। यहाँ पर हल करते हैं, एलसीएम में इसका कितना होगा, 20, 5 प्लस 4 इक्वल टू 231। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 में से 9 घटेगा, 11/20 हो गया 231। इसको कटाते हैं, 11 दुना 22 हो गया, 21 हो गया। इसको हल करते एक में निकालिएगा कितना होगा, एक में निकलेगा 21 × 20 इक्वल टू 420, यह रिजल्ट होगा 420, आंसर हो गया 420। समझ में आ गया, 420 आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 पर आते हैं। सवाल नंबर 6 को देखिए, सवाल नंबर 6 का, तो 6 लगातार सम संख्या, सम संख्या मानने का तरीका होता है, सम संख्या विषम संख्या 6 लगातार क्रमागत संख्याएं, देखिए मानने के लिए आपको सिखा देते हैं। पहला संख्या x माना जाता है, दूसरा संख्या x प्लस 1, फिर तीसरा संख्या x प्लस 2, चौथा संख्या x प्लस 3, पांचवा संख्या x प्लस 4, छठा संख्या x प्लस 5, जितना दूर तक चलना है चल सकते हैं। तो हमको बोला जा रहा है कि चार क्रमागत संख्या, तो चार क्रमागत तो एक दो तीन चार यहीं तक होगा, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं। हम क्या देखते हैं, पहला संख्या में कुछ नहीं जुटा, दूसरा संख्या में एक जुटा, तीसरा संख्या में दो जुटा, चौथा संख्या में तीन जुटा, तो चौथा संख्या में तीन जुटा तो हमको फर्स्ट और लास्ट की ही जरूरत पड़ती है। योगफल का एक सूत्र हम देते हैं, योगफल का हम सूत्र देते हैं, योगफल बराबर पहली जोर अंतिम रकम, पहली जोर अंतिम बटा टू गुना संख्या, यह योगफल का सूत्र होता है। बस आपको पहली और अंतिम चाहिए तो इतना लिखने की जरूरत कहाँ था, इतना लिख नहीं सकते, लिख के भी बना सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली आपका x हो गया, अंतिम कितना हो गया x प्लस 3 बटा 2, संख्या 4 है, 4 से गुणा करें। अब यहाँ पर बोला जा रहा है इनका योगफल कितना दिया जा रहा है, सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 7, 7 नंबर कहता है इनका योगफल 702 है, 702 है, 6 लगातार वाला है, 4 एक सवाल लगता है छोड़ गया क्या,
एक सवाल छूट चुका है, देख लेते ये है क्या। चलिए एक सवाल छूट गया रानी जी, वो सवाल को हम समझा देते हैं। वो सवाल स्क्रीन पर नहीं आया हुआ है, ये क्रमागत है। ये हम सवाल नंबर कितना, 6 नंबर का सवाल है। सवाल नंबर 6 का था, 4 क्रमागत संख्या का योग 154 है, तो 4 क्रमागत संख्या का योग 154 यहाँ कर दिए। सवाल नंबर 6 है, 6 नंबर सवाल को बना रहे, इसको काटेंगे 2 बार में, फिर इसको काटेंगे 7 बार में हो गए। तो 2x+3 बराबर 77, तो 2x बराबर 3 घटेगा 74, तो x बराबर 72, x बराबर यहाँ काटेंगे ना, काटेंगे 72 यहाँ पर आ चुका है, 74 आ गया ना, तो 74 आ गया, 2 से काटिएगा 3 और यहाँ 37। तो आंसर पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, x+3 बराबर क्या होगा 40, यह रिजल्ट होगा 40। इतना ही काम करना है, 40 हो गया, यह उत्तर बनेगा 40। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यह 40 हो गया, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है, 40 आंसर हो गया। ये सवाल नंबर 6 था जो कि अभी नहीं लगाए थे, 7 नंबर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए ये क्या है, 7 नंबर पर आइए। 7 नंबर सवाल कहता है कि 6 लगातार सम संख्या का योग 702 है, 6 लगातार सम संख्या का योग 702। सम संख्या मानने के तरीका, पहला x, दूसरा x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6, फिर 8, फिर 10। घबराइएगा नहीं, सम संख्या ऐसा ही माना जाता है, ऐसा नहीं सोचिएगा टीचर गलत पढ़ा दिए, गलत नहीं है, ठीक है। तो योगफल के लिए अभी बताएं, पहली जोर अंतिम रट गुना संख्या 6 हो तो 6 से कर लिए, 702 है, 702 कर लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस इसको हल कीजिए आप, हल करेंगे 3 बार में काटेंगे, फिर इसको हल करेंगे 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो 2x+10 बराबर 234। तो यहाँ लिख सकते हैं 2x बराबर 224, तो x बराबर क्या लिखेंगे 112। तो आंसर पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या आपका 112 हो गया, यही आंसर हो गया। चलिए समझ के बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, रिपीट कीजिएगा तो फिर दिक्कत आपको नहीं होगी। अगले सवाल की ओर आइए। अगला सवाल, 3 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग क्या हो गया। ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, तीनों के स्क्वायर कर दिए, वर्गों का योग क्या होगा, आंसर तुरंत निकल जाएगा। तो वर्गों का योग क्या होगा, ऑप्शन से इसको ट्राई करके बताइएगा कौन ऑप्शन आपका टैली कर रहा है। देखिए कितना गर्मी में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत कीजिए आप सब भी, गर्मी लग रहा है फिर भी, पसीना चूड़ रहा है फिर भी आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि आप समझ जाए। सवाल आ गए, सवाल नंबर 9 पर आइए, 9 को समझिए। 3 क्रमागत विषम संख्या में से 2 का योग, विषम संख्या भी मानने का तरीका होता है, पहला एक्स, दूसरा x+2, तीसरा x+4, सम विषम दोनों एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सम विषम दोनों एक ही होता है, दोनों चलता है, 3 कर दिया। सवाल कहा इनमें से 2 संख्या का योग, मतलब 2 संख्या का योग, इस दोनों का योग, योग मतलब जो x+x+2, तीसरी संख्या से 5 अधिक है, तीसरी संख्या से 5 अधिक है, तीसरी संख्या ये हो गया 5 अधिक है, तो 5 अधिक का ये है, तो 5 इसमें जोड़ लीजिए, इक्वल टू हो गया, हल करते 2x, अब यहाँ पर 2x हो गया +2 बराबर या x+9 होगी, हल करते इधर लाएंगे x होगा, इधर लाएंगे 7 होगा, x बराबर 7 हो गया। आंसर पूछा जा रहा है कि इनमें से दूसरी बड़ी संख्या क्या, दूसरी तो यही है x+2 है, x+2 बराबर कितना होगा 9, यह रिजल्ट होगा, आंसर होगा 9, कोई दिक्कत नहीं है, 9 आंसर होगा ये आंसर। चलिए अगला सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर यह रीजनिंग का सवाल आ गया, रीजनिंग का सवाल कहा था क्या, ध्यान दें, रीजनिंग का सवाल ये कह रहा है आपको कि 50 विद्यार्थियों के किसी कतार में नामों का क्रमांक ऊपर से दसवां है तो उनका क्रमांक नीचे से। सवाल क्या समझिए, 50 विद्यार्थी एक कतार में लगा हुआ, इसे इसे करके 50 विद्यार्थी है, ऊपर से रामू जो है ऊपर से गिनते हैं कि ऊपर से गिनते हैं तो कितने नंबर पर आ गया, ऊपर से दसवां, तो कहता है इस रामू का क्रमांक नीचे से क्या होगा, इस तरफ से गिनेंगे तो क्या होगा, मतलब एक तरफ से गिने तो 10 नंबर पर आप खड़ा है, तो पीछे से गिनेंगे तो क्या होगा। सवाल समझ में आ गया, इस तरह के सवाल को बनाने के कुछ नहीं करना है, बस टोटल स्टूडेंट जितना है उसको लिख लीजिए, ऊपर से रहे नीचे से पूछेगा, नीचे से रहे ऊपर से पूछेगा, दाएं रहेगा तो बाएं पूछेगा, बाएं रहेगा दाएं पूछेगा, इस तरह जब भी सवाल आएगा तो बस एक कम करके घटा दिए बड़ा डिजिट में, ऊपर से 10वां है तो 9 घटाएंगे तो 41वां नीचे से हो जाएगा, आंसर हो गया, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, अगले सवाल पर आइए, इसका आंसर आप सभी देंगे, आंसर क्या होगा, हल करके सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा, क्या कीजिएगा 200 में, यहाँ पर सवाल बोलता है कि वो टोटल 200 है, 100वां है तो क्या घटेगा, 99 घटा लीजिए, आंसर बताइएगा कितना आंसर आ रहा है,
अब के उत्तर का जवाब रहेगा, आपका उत्तर का इंतजार रहेगा कि आप आंसर क्या देते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। 13 और 14 दोनों सेम सवाल है। सवाल कहता है सी और पी, सी और पी के बीच में कौन सा अक्षर होगा। सी का नंबर होता है 3, पी का नंबर होता है 16, बीच वाला रहता है, बीच का मतलब दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड किया, दो से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 19, 19 बटा 2 होगा। क्या 19 बटा 2 कट रहा है क्या? नहीं कटेगा तो लिखेंगे आंकड़े अधूरा है, ज्ञात नहीं कर किया जा सकता, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा, आंसर समझ में आ गया, हल नहीं होगा, आंकड़े अधूरा है। जैसे अगला बोला ई और टी, ई और टी के बीच में क्या होगा। ई का नंबर कितना होता है 5, टी का नंबर क्या होता है 20 बटा 2, इसका भी आंकड़े अधूरा हो जाएगा, नहीं चलेगा। अगर यहाँ कहता, अगर यहाँ कहता यहाँ पर सी डी, डी और टी, डी का नंबर 4 होता है, 4 और 20 के बीच में कौन होगा, तो इसको काटेंगे तो 12, 12 वाला लेटर क्या होता है एल, तो एल आंसर हो जाएगा। कट जाता तो जो नंबर होता वही आंसर होता, नहीं कटेगा तो आंकड़े अधूरा, ज्ञात नहीं कर सकते। अगला सवाल देखते हैं और है क्या। एक सवाल डायरेक्शन का, डायरेक्शन का तो बनाते बनाते तो आप थक चुके होंगे, डायरेक्शन तो बहुत हम समझाएं, बहुत रोज आता है, हर रोज आपके एग्जाम में रहता है। सवाल कहता है, सवाल नंबर 16 कहता है कोई व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम देखिए इधर वाले को पूर्व बोलते हैं, दाहिना हाथ को पूर्व, बायां हाथ को पश्चिम, उसे ऊपर उसे उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, पश्चिम दिशा की ओर चला, पश्चिम तो इधर होगा, चल दिया, चलने के बाद कहता है पश्चिम दिशा की ओर चला, तय करता और 10 बार वह बायां तरफ मुड़ता है और 11 बार वह दायां तरफ मुड़ता है, तो कुछ नहीं करना, 10 बार बायां और 11 बार दायां, बस 11 बार क्या बोला, 11 बार दायां और मुड़ा, तो इसको कुछ नहीं करना, 11 बार दाहिना और मुड़ा, तो कहता है कि अभी वह किस दिशा में चल रहा है, कुछ नहीं करना। इस दोनों का अंतर कितना होगा, एक अंतर हो गया बस। पावरफुल कौन है, ज़्यादा दाहिना है तो सिर्फ दाहिना मुड़ जाइए, दाहिना ऊपर होगा कि नीचे होगा, दाहिना जिधर आपका हाथ सीधा घूमेगा उधर दाहिना हो, ऊपर की तरफ मुड़ गए तो अभी ऊपर चल रहे, ऊपर मतलब क्या होता है उत्तर, यही आंसर हो गया, उत्तर आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो, समझ में आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे आते हैं, तब तक इलेक्ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।